हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो है एक क्वेश्चन आ रहा था कि मैम, प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज आना, एक ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज बहुत सारी महिला को आता है, तो उसको जो है लड़की होगी या फिर लड़का होगा, वहीं पर जो है महिलाओं का डिस्चार्ज जो है वाइट डिस्चार्ज जो है वो थोड़ा कम आता है, तो उनके अंदर भी ये जिज्ञासा रहती है कि लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। जो हमारे घर की ओल्ड वाइफ्स होती है वो ये सब चीज़ें देख करके बताती हैं कि हमारे गर्भ में लड़का है या फिर एक लड़की है। ठीक है, मेरे इस नल से कोई भी लिंग का भेदभाव नहीं है, बट जब हम पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करते तो हमारे मन में बहुत सारी ऐसी उमंग जगती है कि हमारे गर्भ में पल रहा शिशु जो होगा वो एक लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। अभी भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास जैसे कि दो लड़कियां हैं या फिर तीन लड़कियां हैं, तो वो लड़कियां ही जो होती हैं ना, जो वो बच्चियाँ ही होती हैं ना, उनको भी एक कहीं ना कहीं भाई की कमी महसूस होती है। मेरे पास ऐसे भी मैसेज आते हैं कि मैम, हमारे लिए भी प्रेयर करना कि हमारा जो है अब बेबी बॉय आ जाए ताकि मेरी बेटियों को जो है एक भाई मिल सके। कोई भी भेदभाव नहीं करता है अपने बच्चों में, बस एक मन में ये रहता है कि पहली जब लड़की हो जाती है कि हमारा जो है अब एक बेटा हो जाए और हमारी जो है एक फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे सटीक लक्षण बताऊंगी जिसको सुन करके आप कई हद तक जो है एक अनुमान लगा सकते हो कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक लड़का है या फिर एक लड़की है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ और कुछ ऐसे सब्सक्राइबरों का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जिन्होंने मुझे अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स शेयर किए हैं, ताकि मैं आपको बता सकूँ और कई हद तक आपको अंदाज़ा लग सके कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा है या फिर एक बेटी है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना। उससे क्या होगा, आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आएगी वीडियो की और आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो। तो फ्रेंड, जैसे कि होता है वाइट डिस्चार्ज आना, तो प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज पहले मैं आपको बताती हूँ, जो ओल्ड वाइव्स बताया करती हैं, जो घर की बड़े बुजुर्ग बताया करते हैं कि जब ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आता है महिलाओं को, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मुझको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा आता था या फिर कम आता था, और इसके क्या नुकसान होते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं ये भी आपको वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी। आपको वीडियो जो है फुल वॉच ज़रूर करनी है। तो फ्रेंड्स, जो ओल्ड वाइफ्स होती है वो ये बताया करती है कि जिन महिलाओं को ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, तो उनके गर्भ में पल रहा शिशु जो है एक बेबी बॉय होता है। ये होती है सिर्फ फ्रेंड ओल्ड वाइफ्स की बात। और ये भी बताती हैं कि जिन महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज कम होता है तो उनको जो है बेबी गर्ल होने की संभावना होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया ओल्ड वाइफ्स की बात, और अब मैं बताती हूँ कि मेरे टाइम पे वाइट डिस्चार्ज होता था या नहीं होता था। तो फ्रेंड्स, मेरी भी जो है ना प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता था और बहुत ज़्यादा होता था, तो इस बारे में जो है मैंने अपने डॉक्टर से भी राय ली थी कि क्यों हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब उन्होंने मुझे बोला कि सब कुछ आपके अंदर बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल कोई भी आपके अंदर प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो फिर मैंने जो घर के बड़े बुजुर्ग की बात होती है कि बेबी बॉय होगा, तो मैंने वो चीज़ सुना और दिमाग में रखा कि देखते हैं 9 महीने बाद सामने ही आना है कि क्या होगा। बट मुझको भी वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता था और प्रेगनेंसी के दौरान, और ये लक्षण मेरे अंदर कहीं ना कहीं सटीक बैठा भी था और मुझको जो है बेबी बॉय हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दी है कि ओल्ड वाइफ्स की बात और मुझे प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होता था या फिर नहीं होता था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये वाइट डिस्चार्ज होता क्यों है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ही हम लोग प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, जैसे ही हमारा बच्चा जब गर्भ में आता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब कि उसकी सुरक्षा के लिए, एक वो पानी की थैली में होता है, तो पानी की थैली के मुंह के ऊपर लगाता है म्यूकस प्लग। वो आपने सुना ही होगा, जब तक म्यूकस प्लग नहीं निकलता है तो हमारे बच्चेदानी का मुंह भी जो है नहीं खुल पाता, हमारे सर्विक्स का मुंह। तो आपको क्या करना है कि वाइट डिस्चार्ज क्या करता है, जैसे कि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर गंदगी होती है, गंदगी मतलब कि गंदे हार्मोन्स वगैरह होते हैं या गंदे टिश्यूज़ होते हैं, तो वाइट डिस्चार्ज के थ्रू जो है ना वो आपकी वजाइना के थ्रू, मतलब कि प्राइवेट पार्ट के थ्रू जो है वो थ्रो आउट हो जाते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको बहुत ही ईजी वे में और बताना चाहूँ, तो इसका मतलब ये होता है वाइट डिस्चार्ज का मतलब कि आप के जैसे दिवाली होती है, दिवाली में हम अपने घर का जो है एक एक कोना साफ करते हैं ताकि हमारे घर में लक्ष्मी आ सके, तो फिर हम सारी गंदगी जो है बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे ही वाइट डिस्चार्ज का काम होता है कि बच्चे के अंदर कोई भी दिक्कत ना जाए, कोई गंदा बैक्टीरिया ना जाए, उसके लिए जो है म्यूकस प्लग लगा होता है और
म्यूकस प्लग के बाहर सारा बचे जाने के बाहर एक लेयर लगती है जिसको बोलते हैं वाइट डिस्चार्ज की लेयर होती है, और उसी में से वो सब कुछ जो है निकल निकल के थोड़ा थोड़ा आपकी प्राइवेट पार्ट से निकलता है। बट ये कब डेंजर होता है ये तो आपको पता लगे कि वाइट डिस्चार्ज होना जो है एक अच्छी बात होती है कि हमारे अंदर से जो भी टिश्यूज़ गंदे हैं वो निकल रहे हैं और थ्रू आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कि आपके बच्चे के वो सेफ्टी है इससे और आपके लिए भी सेफ्टी है। बट ये कब डेंजर्स होता है फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे कि आपने अभी एक पैंटी पहनी है और उसके बाद 2-3 घंटे बाद दोबारा से चेंज कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। आपकी बॉडी देखिए मेड से ज़्यादा आपकी बॉडी को के बारे में आपको पता होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर राय लेनी चाहिए। और वाइट डिस्चार्ज जैसे कि दही के कटलेट होते हैं, दही के पीसीज होते हैं, अगर इस टाइप में आ रहा है बहुत ज़्यादा तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। ये फिर एक खतरे की घंटी होती है कि ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि आपको हॉस्पिटल दिखाने की ज़रूरत कब पड़ती है कि आपके वाइट डिस्चार्ज में अगर कोई ब्लड निकलता हुआ आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो इससे पहले आपको कोई दिक्कत आए तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, ठीक है। इसके बाद ये है कि वाइट डिस्चार्ज अगर ग्रीनिश कलर का आ रहा है, जैसे कि 8वां या 9वां महीना लग गया है आपका, तो अगर ग्रीनिश टाइप का वाइट डिस्चार्ज आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि गर्भ में बच्चे ने जो है ना मेकोनियम जिसको बोलते हैं फर्स्ट बच्चे की पॉटी को मेकोनियम बोलते हैं, अगर बच्चे ने पॉटी कर दी है गर्भ के अंदर तो वो जो वाइट डिस्चार्ज आता है ना वो आपको ग्रीनिश टाइप का दिखेगा, तब भी आपको तुरंत जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपनी डिलीवरी करानी चाहिए। डॉक्टर खुद ही आपकी डिलीवरी करेंगे कि बच्चे के अंदर और माँ के अंदर जो है वो जहर ना फैल जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क होता है हमारे ऊपर और हमारी प्रेगनेंसी के ऊपर। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये भी बता रही हूँ कि बेबी बॉय के क्या सिम्टम्स होते हैं और आपको क्या केयरिंग करके रखनी है ताकि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए, ठीक है। इसके बाद ये है कि जैसे कि वाइट डिस्चार्ज के अंदर आपको बहुत गंदी सी एक स्मेल आना और जैसे कि ब्राउनिश डिस्चार्ज आना, तो ये सारे खतरे की घंटी होती है फ्रेंड्स। आपको पता ही है कि नॉर्मली वाइट डिस्चार्ज होता है, मगर वाइट डिस्चार्ज के अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आ रही है कि जैसे कि प्राइवेट पार्ट में इचिंग होना, बहुत ज़्यादा जलन होना, और यूरिन पास करते टाइम मतलब कि पेशाब पास करते टाइम अगर आपको जलन हो रही है, या फिर रुक रुक के बाथरूम आ रहा है, बहुत सारी महिलाओं को रुक रुक के बाथरूम आता है, तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना वो एक इन्फेक्शन का कारण होती है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई ना कोई आपको इन्फेक्शन हो रहा है जिसके कारण आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको जो है ये जब संकेत दिखें तो आपको जो है किसी की बातों को नहीं सुनना है, जो आपके डेली रूटीन के डॉक्टरों के जब चेकअप चल रहा है आपका प्रेगनेंसी का, आप उन डॉक्टरों से बात कीजिए। और डॉक्टर से बात करने में आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आप पूछोगे तभी वो बता पाएंगे, क्योंकि आपको वो लोग सिर्फ आपकी जो आपको जो चेकअप होता है ना वो सिर्फ आपके पेट से अल्ट्रासाउंड करते हैं, बच्चे की हार्ट बीट वगैरह देखते हैं और फिर बोलते हैं ओके की रिपोर्ट है, ठीक है। बट उनको थोड़ी ना पता है कि आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो तो आपको ही बताना है ना। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, डॉक्टर के पास जा करके अच्छे से बात करनी है कि मुझे ऐसे ऐसे करके वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। तो वाइट डिस्चार्ज बेसिकली नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी के दौरान, बट ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। और जो मैंने आपको चीज़ें बताई है कि अगर वाइट डिस्चार्ज में ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आपको जो है अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। तो उम्मीद करूँगी आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगी। अगर हेल्पफुल लगेगी, अगर अच्छी लगी है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए जो है मेरा सेकंड चैनल जो है ना वो है काजल की किचन ब्लॉग, वहाँ पर मैं बच्चों की एडवाइस देती हूँ ताकि आपके बच्चे के अंदर और आपको कोई भी परेशानी ना आए। इसके बाद मेरा एक और चैनल है, थर्ड चैनल है, वो है काजल प्रेगनेंसी पॉइंट, वहाँ पर मैं अपने प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ और वो भी मैं करती हूँ, तो आप उसको भी देखिए। और जैसे ही आपने इस वाले चैनल पे प्यार दिया है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ये करूँगी फ्रेंड्स कि उन दो चैनल पे भी ऐसे ही प्यार करना और जल्दी से मेरे जो है 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, क्योंकि मुझे भी जो है ना सिल्वर प्ले बटन चाहिए और अपने सिल्वर प्ले बटन के साथ जो है फ़ोटो क्लिक करवानी है। और जब 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो एक सेलिब्रेशन होगा, तो फटाफट से जो है ना 50,000 की फैमिली मुझे कम्प्लीट करनी है। बट मेरा जो मैंने टारगेट रखा है 1 साल के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर का रखा है, तो जल्दी जल्दी प्लीज़ मेरा टारगेट जो है पूरा करवाना ताकि मुझे और हौसला मिले और आपके लिए मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ।
क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के मन में बहुत सारी ऐसी जिज्ञासा होती है कि हमारे गर्भ में एक लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी, क्योंकि हम पूरा टाइम जो है उस बच्चे के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी ने पहली बार मेरा चैनल देखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपके को प्रेगनेंसी है और आपके घर में छोटे बच्चे हैं। तो मिलती मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, सेफ रहना, एंजॉय करना अपनी प्रेगनेंसी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग काजल की प्रेगनेंसी।